सफर कैसा है ये सफर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं और हम लोगों ने अभी इस समय टोकन ले लिया है मेट्रो स्टेशन का। अब हम लोग आगे एंट्री करेंगे। जाओ जाओ जाओ। यस गोवा जाके कोई रसी नहीं देख रहा, ठेका देख रहा है। इसके बाद बाकी काम। ये हमारे टू फॉरनर्स के अभिनेता, वो को क्या है, क्या बोलता है, क्या सॉरी यही खड़े खड़े। तो गाइस अभी हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और ये हमारा एयरपोर्ट। और इस समय मेरी बहुत बहुत ज्यादा फट रही है। प्लेन में बैठने से पहले मैं पहली बार बैठ रहा हूँ और मेरी लगी पड़ी है, तो मानोगे नहीं लेकिन लगी पड़ी है। सो यस गाइस अभी हम लोग प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं और सही बताओ माँ कसम धन तक हो रही है मेरे को बहुत ज्यादा। तुमने रनवे पे प्लेन चलते हुए बहुत देखा होगा। ये देखो ट्रैक्टर भी चल रहा है, ये उड़ेगा आगे जाके, टेक ऑफ करेगा, देखना। नमस्कार, इंडिया की उड़ान I-5 4-5 जो लखनऊ से गोवा जा रही है, पर आपका स्वागत है। गाइस अभी टाइम है सीट बेल्ट लगाने का, पूरा में आता नहीं है, देखते हैं कैसे लगाना है सीट बेल्ट, कैसे लगाना है वो चीज़। आसान है, वेरी आसान। भाई साहब ये नज़ारा देखो भाई, बादल के ऊपर भी बादल। गाइस सब कुछ किया था पर प्लेन में 30,000 फीट ऊपर खाना नहीं खाया था। तो गाइस फाइनली वी रीच इन गोवा। अभी हम लोग गोवा आ चुके हैं और यहाँ पे शायद गोवा एयरपोर्ट पे वीडियो बनाना या फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो हम लोग बहुत कम ट्राई करेंगे, है ना। The next day. तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, सब तैयारी करते हैं भाई। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। कहाँ पे जाएंगे भाई? कलिंगोट बीच या बागा बीच? आज डे टू है और हम लोग जाएंगे कलिंगोट या बागा बीच, देखते हैं दोनों एक्सप्लोर करते हैं कैसा रहता है। पहली बार जिंदगी में समंदर देखेंगे। यस समुंदर के और भी। गाइस अभी हम लोग गोवा बीच पे और ये फिफ्टो सी बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे, बहुत सा क्राउड है और लेकिन मज़ा आ रहा है। चाहिए पहली बार समंदर देख रहा है, इसका फीलिंग अलग ही है। गाइस मैं सोच रहा हूँ घुसने का, लेकिन भाई जो लहरें चल रही है ना लगी पड़ी है, मैं घुस नहीं पाऊँगा। तो गाइस हमने फिर से नया रूम ले लिया है क्योंकि पहला वाला होटल था वो थोड़ा सा बेकार था, मतलब मजबूरी में लेना पड़ा था। इसमें क्या है कि एक इधर का रूम है और एक इधर रूम है, दो लोगों के लिए, छह लोगों के लिए टोटल है। तो हम लोग यहाँ पर बोले चुके हैं, उसे टीवी यहाँ पता हुआ, कोई दिक्कत भी। और आज अभी आराम करेंगे, शाम पे निकलेंगे फिर से टाइम। तो कहीं अभी पता है शाम के 3:40 और हम लोग आ चुके हैं बीच पे, बागा बीच पे। मीनवाइल तो गाइस जैसा कि तुमको पता है कि हम लोग आए हुए हैं गोवा इस समय, तो मैंने प्लान किया कि चलो सनराइज देखते हैं अगर जल्दी उठ ही गए हैं तो, क्योंकि समंदर किनारे का सनराइज जो होता है ना बहुत ही खतरनाक है, मैंने सुना है। वैसे अभी आ गए हैं समंदर किनारे तो मैं समंदर दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग समंदर तक तो आ ही गए हैं, लेकिन समंदर बहुत ही खूबसूरत नजर है। अरे हम सोच रहे हैं अभी चले यार, क्योंकि यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूँ, मतलब जो शांति मिलती है यहाँ पे गाइस वो अच्छी होती है, बहुत मज़ा आता है। तो गाइस अभी मैं सनराइज देख के रूम पे आ चुका हूँ और हम भी हमारे दोस्त लोग सो रहे हैं। यस सारे सो रहे हैं भी। तो गाइस आज का आउटफिट हमारा ये है जो हमने कर लिया था। अब ऑफ कोर्स नहा धोवा लिया है, तबियत जिम कर लिया है और मेरे दोस्त लोग अभी सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। अभी हम लोग बंजी जंपिंग क्या कहते हैं तो स्कूबा डाइविंग सब किया जाएगा। साथ सब लड़के हैं, सब जम चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस 2.5 घंटे से अपने गांव घुमाने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हम लोग चलेंगे स्पोर्ट्स। कैमरा ऑन रखो, मेरी बनाना, आ जाओ आ जाओ कूदो, ले 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 मोबाइल। तो गाइस अभी हम लोगों ने जेट वाला कर लिया, अभी जाएंगे हम लोग कौन सा बनाना, अब जा रहे हैं वो पैरासीलिंग करते। पैरासीलिंग करते भाई, हो गया क्या? ना करो यार, क्या हो गया बोलते, अबे देखते हैं पानी में नहीं है। हां 17 लोग people
हाँ डीप है, डीप है। हाउस का दोस्त भैया इनको कुछ फिर देना खेलना तो गाइस अभी हम लोगों ने सारे स्पोर्ट एक्टिविटी कर लिया है और अभी हम लोगों जाना है अपने होटल पे क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा थके हुए हैं भाई। वैसे हम लोगों ने कपड़े भी चेंज कर लिया, मजा आया लेकिन नहीं तो स्कूबा डाइविंग मजा लिया, मैंने वो किया नहीं, स्कूबा डाइविंग मैंने नहीं किया क्योंकि वहाँ थोड़ी इज्जत नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट डे तो गाइस सुबह सुबह हम लोग चाय पियेंगे फिर निकलेंगे। वैसे गाइस आज का गोवा का डे 3 का आउटफिट कुछ ऐसा है, आज हम लोग ऐसे पहन के गोवा को एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस जब भी पता चला हमको कंटेंट मिल चुका है, कंटेंट आ गया मादर को दुखा ले से, इधर आओ यार हम तुमको दिखा देते हैं प्रो कंटेंट यादों में तेरी कंटेंट। तो गाइस अभी बजे हैं दोपहर के 2 और हम लोग निकल चुके हैं खाने और इसके बाद जाएंगे स्कूटी लेके थोड़ी और चीजों को एक्सप्लोर करने। पूछ लो पहले वेज बढ़िया भाई बच गए दूर जाने से बच गए, अबे यही खा लेते यार इस दिल से। तो गाइस फाइनली हम लोगों को वेज रेस्टोरेंट मिल चुका है और हम लोग यहाँ पे अब खाएंगे उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या होगा। तो गाइस जब हमने प्लेन चपाती मंगाया है 4 और क्या था ये पनीर बटर मसाला मंगाया है और दाल चावल मंगाया है और राजमा चावल मंगाया है। तो आप अकाल बना रहे थे, आप जान जाता है क्या मैंने कोई गिफ्ट नहीं किया था, उसने खुद बोला था भाई, किसी ने नहीं बोला, मैं पूछवा दूंगा। तो गाइस अभी खाना वाना हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं रूम पे, थोड़ा सा आराम करेंगे उसके बाद जाएंगे घूमने क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है यार। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने सफारी पे, कहाँ पे अंजुवा भी तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अंजुवा बीच पे और यहाँ का सीन भी बहुत खतरनाक है राइट, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोकेशन ना सबसे खतरनाक है भाई, इन सब गड्ढों में कीकड़े बहुत सारे हैं भाई और यहाँ से पानी निकल रहा है सिर्फ बहरे आने के बाद अभी ऐसे में और तुम यहाँ पर देख रहे मन रहा है। तो गाइस अभी हम लोगों ने ये वाला बीच तो देख लिया, अब हम जा रहे हैं दूसरे बीच। तो गाइस ये है उराजन बीच शायद है, क्या नाम है ये नाम है ना। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आए, पीछे जितने भी चीज दिख रहे हैं ना यहाँ पर सिर्फ फॉरनर्स हैं और सब पिकनिक में लेटे हैं और हम लोग यही देखने आए हैं। तो गाइस ये अपना सबसे बेस्ट सूट, अगर तुम यहाँ पर देख सकते हो सबसे बढ़िया हमको यही चीज़ लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई है यहाँ पे। और वहाँ पे देखो क्या चल रहा है, एक मिनट में दिखाता हूँ, वो देखो क्या चल रहा है भाई, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो असली मज़ा तो यहाँ लिया जा रहा है गाइस। और ये सबसे बेस्ट है भाई, ये एक्सपीरियंस सभी को लेना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मैं इतनी कहूँगा कि एक या तो ही दोस्त आओ, 5-6 आओगे ना भाई तो सही से नहीं होता है, अगर 5-6 दोस्त आ रहे हो तो पैसा भरपूर लेके आओ, मज़ा आए उसमें भी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब हमारा नेक्स्ट लोकेशन है फोर्ट, उस फोर्ट का नाम क्या है मुझे नहीं पता, अभी हम लोग सर्च मार के वहाँ पर जाएंगे और वहाँ का भी कुछ सीन दिखाएंगे तुमको, तभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। सफर कैसा है ये सफर। तो जब भी हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दिया है, अब गुजारे कैंडल भी स्वीट ही थी, अब देखते हैं अब क्या होता है, क्या दिन बनता है फ्लेक्सिबल। तो गाइस ये देखो हो रहा है यहाँ सनसेट और इससे अच्छा कुछ माहौल नहीं होगा और यही हब है, असली हब यही है गाइस रशियन का आई, और यहाँ पे रशियन भाई हर जगह पे, आप यहाँ पर देख सकते हो इस रूप में देख सकते हो, आप सब जगह यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, मजा आती है तो बहुत हुआ यहाँ पे। अगर तुम लोग गोवा आते हो तो भाई इस जगह पर जरूर एक्सप्लोर करना क्योंकि सबसे बेस्ट तो यही है, सबसे बेस्ट यही है भाई। सफर कैसा है ये सफर, सब सनसेट होने वाला और क्या मस्त हवाएं चल रही हैं यहाँ पे,
अभी सनसेट हो चुका है गाइस, सनसेट हो गया, सनसेट हो चुका है, सनसेट हो चुका है और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मीनवाइल हमारे भैया और भाभी निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल माहौल है भैया। ऐसा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी आ चुके हैं रूम पे और अभी वही बैठा है, रात की वीडियो यही खत्म करेंगे। कल आखिरी दिन हम लोग गोवा में और कल आखिरी दिन हम लोग क्या क्या करेंगे वो भी देखना रह गया तुम लोगों का, तुमको देखना है गाइस। द नेक्स्ट डे आ जाए लखनऊ हम लोग राजाओं के शहर में, फ्लाइट की टाइमिंग है 6:30 की और हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे 4:30 बजे। तो गाइस अभी हम लोग एयरपोर्ट में निकल चुके हैं और यहाँ पे भैया ने मेरे को बताया कि गोवा में आ गए हो आप और गोवा में अगर आपने किसी को लोकल आदमी को सिरिजा बोल दिया तो आपको बहुत पे लेगा। तो गाइस अभी हम लोग हैं गोवा एयरपोर्ट पे और इस समय हम लोग अपना गेट नंबर ढूंढ रहे हैं, उसका नाम है गेट नंबर आई। तो गाइस फाइनली वी रीच्ड इन द एयरपोर्ट और आज की वीडियो हम ये खत्म करेंगे क्योंकि मुझे घर जाके एडिटिंग करनी है और सोना भी है गाइस। तो गाइस जैसा तो बताया कि हम लोगों ने गोवा का सफर पूरा कर लिया है, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सिटी में, लेकिन जो भी है तो ये ब्लॉग हम लोग यही पे खत्म करते हैं। ये हमारे चैनल का पहला ब्लॉग था और शायद आखिरी भी होगा। सफर कैसा है ये सफर।